हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल उगयार फार्मर्स में। और फिर से यहाँ पे आपके लिए लाए हैं एक कमल की जुगाड़ू वीडियो, जिसमें आपको दिखाएंगे आप अपनी खेती के लिए बिना लाइट और बिना मोटर के 24 आवर्स फ्री में पानी किस तरीके से दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल काफ़ी बेसिक है वीडियो है दोस्तों, और यह टेक्नोलॉजी काफ़ी जुगाड़ू है। काफ़ी सारे किसानों को तो ये ऑलरेडी पता ही है, लेकिन आपको यदि पता नहीं है तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी है जिसे कहा जाता है साइपन। पानी का एक बेसिक सिद्धांत है दोस्तों, जो ऊपरी जगह से नीचे की तरफ यह बहता है। तो इसको हम समझने के लिए यह डायग्राम आपके लिए बनाया है, तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए। इसको हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके का इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे फार्म पॉन्ड है जहाँ से हमने पानी लिया है। आप किसी भी जगह से पानी ले सकते हैं, बस एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, वो पानी ऊपर होना चाहिए और लैंड नंबर 1 और लैंड नंबर 2 जो इस पानी से नीचे है, तो यह लैंड नंबर 1 और 2 हमेशा नीचे ही रहेगी दोस्तों, और उसको पानी आप दे सकते हैं। फार्म पॉन्ड इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हमने पहले ही बना के रखी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह इस तरीके का एक वाटर बॉडी होता है जिसे फार्म पॉन्ड या खेत तालाब कहा जाता है। तो यह ऊपर है दोस्तों, और इसके नीचे जो ज़मीन है दोस्तों, उसके लिए हम यह साइपन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पानी देंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यह रहा हमारा फार्म पॉन्ड दोस्तों यहाँ पे, और देख सकते हैं इस पे एक पाइप डाला हुआ है दोस्तों। तो यह पाइप पूरा का पूरा घुमाकर यहाँ पे दोस्तों हमने हमारी लैंड नंबर 1 जो हमने यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया था, यह रहा लैंड नंबर 1 और लैंड नंबर 2 यहाँ से कुछ दूरी पर है दोस्तों। तो थोड़ा सा पास जाकर और दिखाते हैं आपको, यह रहा दोस्तों हमारा खेत तालाब, और इससे हमने बस यह पे पाइप डाला हुआ है। इस पे कोई भी मोटर लगा ही नहीं दोस्तों, साइपन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बस ऊपर का पानी नीचे की तरफ हम बहा के लेके जाएंगे दोस्तों। तो बस सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किस तरीके से किया गया है यह आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह पाइप है दोस्तों, पहले हमने यह पूरा का पूरा पाइप खेत तालाब में डाल दिया, उसमें से एयर निकाल के पूरा उसमें पानी भर लिया, और इसका जो एक सिरा है दोस्तों, यानी कि एक एंड है, उसको यहाँ पर हमने जो हमारा कपड़ा होता है वह लगा के बंद कर दिया, और एक सिरा है जो पानी के अंदर ही रख दिया। तो यह पाइप पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, ऐसा घुमा कर यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया पाइप को, और नीचे का जो सिरा है उसको और पानी के अंदर का जो भाग है उसको दोनों को एक साथ यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऊपर से पानी के नीचे की तरफ बहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी जो हमारा वाटर टैंक है यानी कि खेत तालाब है, वो ऊपरी जगह पे बना है, और यहाँ पे हर जगह से पानी आकर यहाँ पे पाइप से जो हमारे लैंड नंबर 2 है वहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी आप काफ़ी आसान से यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं है दोस्तों। लाइट का झंझट रहता है और मोटर का भी झंझट रहता है, तो जो हमारा रूरल इंडिया है उसमें तो काफ़ी सारे समय तो लाइट रहता ही नहीं है। तो चलिए उसको कभी और अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये खेत तालाब काफ़ी हाइट पे है दोस्तों, और ये ज़मीन देखिए, ये काफ़ी सारा नीचे है। ये रहा लैंड नंबर 1, यहाँ पे पूरा घुमाकर पाइप हमने डाल दिया है, यहाँ पे पाइपलाइन को जोड़ दिया है, और इसी पाइपलाइन से यह लैंड नंबर 2 के लिए पानी जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी है साइपन, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऊपरी जगह से पानी नीचे की तरफ बहता है। यह बेसिक साइंस प्रिंसिपल है दोस्तों, और इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमने यहाँ पे जुगाड़ बनाया है इसको कहा जाता है साइपन। आपको इस पाइप को खोल के भी दिखाएंगे दोस्तों किस तरीके से पानी का फ्लो चल रहा है। ये 2 इंच का पाइप है दोस्तों, आप ज़्यादा बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। यह लचीला पाइप होता है जिसे HDPE कहा जाता है, या बांगड़ी पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सख्त पाइप नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि यह मुड़ना चाहिए हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे हमारी पाइपलाइन को जोड़ा हुआ है ये पाइप, और यहाँ से लैंड नंबर 2 को पानी जा रहा है। तो इसको निकाल के दिखाते हैं आपको पानी का फ्लो कितना चल रहा है। ये 2 इंच का पाइप हमने यहाँ पे लगाया है दोस्तों, और यह दोस्तों नीचे की तरफ से जो पानी आ रहा है वो रिटर्न पाइप से पानी आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं ये, अरे ये पाइप टूट गया है शायद, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से जोड़ देंगे इसे, कोई बात नहीं। किसानों की ज़िंदगी में तो यह सवाल होता ही है दोस्तों, कोई ना कोई एक समस्या हर समय आती रहती है, जुगाड़ निकाल के किसान कोई ना कोई इलाज तो कर ही देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पानी का फ्लो देख लीजिए, और यह पाइप यहाँ पे काफ़ी लंबा
ये पाइप ज़्यादा था दोस्तों हमारे पास, तो पूरा घुमा कर यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों हमने यहाँ पे। और यह देख लीजिए पानी का फ्लो कितना सही आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच पाइप से दोस्तों लगभग 5 की मोटर जितना पानी यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस फ्लो को एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, 5 इंच की मोटर से भी इतना फ्लो नहीं मिलता है दोस्तों। और जितना दोस्तों यह नीचे रहेगा, मतलब पानी का हाइट जितना ज़्यादा रहेगा और यह पाइप जितना नीचे रहेगा, उतना ही पानी का फ्लो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं पानी का कितना बड़ा फ्लो आ रहा है दोस्तों। और इसी साइपन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दोस्तों आप दोस्तों बिना मोटर और बिना बिजली के अपनी खेती के लिए 24 आवर्स पानी दे सकते हैं। यहाँ पे एक वॉल भी लगाया जा सकता है दोस्तों, जो 2-2.5 इंच का जो वॉल मिलता है उसको लगा देंगे तो वॉल बंद करते ही ये पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। तो अभी तो पाइप टूट गया है, फिर से हम इसको लगा देंगे। और जिस तरीके से हम यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं दोस्तों, वह पानी के खेत तलक में जो पाइप का एंड है दोस्तों, वहाँ पे कभी हाथ ना लगाए दोस्तों, क्योंकि वैक्यूम इतना ज़्यादा क्रिएट होता है वहाँ पे, तो आपको हाथ को डैमेज कर सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। बस फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, खास करके किसान भाइयों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू।